हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारे टूर, मतलब बहुत बड़ा टूर जी। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तो बहुत सारे ब्लॉग पर आएंगे, बर्दाश्त कर लेना, सह लेना। तो ये अभी तक ये बंदे आए जिन्होंने हमें टाइम का दिखा था, उसी टाइम पे पहुँचे, फिर भी नहीं आए, ऑलवेज लेट होते हैं वो। ट्रेन आ रही है? हाँ, ट्रेन आने दो, अभी आ रहा है। पर मेरा लेवल चेक करो, मैं पब्लिक में ब्लॉग कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आपका लेवल आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। हम पिछले एक हफ्ते से ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना रहे थे, क्योंकि हमारी थीसिस थी फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कंप्लीट हो गई। रजा और मैंने जाके जमा करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दोस्त आएंगे, उसके बाद बात करेंगे। अभी ये ट्रेन आ गई, सारे हम भी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी ट्रेन का वेट हो रहा है। जैसे ही आएंगे ट्रेन बैठ जाएंगे। ये हमारा माशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉगर जो इस ट्रिप को मेरे से ज़्यादा शूट करेगा। ये मिस्टर स्टार जो अभी बार को शक्ल नहीं दिखाएगा। ग्रेजुएट जमान साहब इसरार अहमद, ये ग्रेजुएट है माशाल्लाह, ये ग्रेजुएट हुए ताज़े ताज़े। और ये प्रसाद साहब, और ये हम सारों का तीन टप्पड़। जो भी होगा इस जर्नी में हम आपको दिखाएंगे। सर ये सर सिर्फ ग्लासेस लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर से भागते हुए आए। वो आपकी व्लॉग की वजह से। थैंक यू सो मच सर। वो हम उस दिन जहाँ से चश्मा नहीं लिया था, दूसरे व्लॉग में चाचा पठान से। हाँ, वही सेम पठान का दुकान था, यहाँ से स्टेशन से बहुत दूर है। हाँ हाँ, आपके लिए मैं गया हूँ, और हमको मैप ने मिस गाइड कर दिया, तो हम भागते हुए यहाँ पे आए, और यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्रेन है ही नहीं जान। अभी दूसरा ब्लॉग इनके पास जाए। यूट्यूब चैनल का नाम फतेह बलोच। फतेह बलोच, तो जो चीज़ मेरे से मिस हो जाएगी वो ये करेगा फतेह बलोच, सिनेमेटोग्राफी। बाय द वे, मैं ये मेरा फर्स्ट टाइम है ट्रेन का एक्सपीरियंस, लेट्स सी कैसा होता है। आई होप क्या बहुत अच्छा हो, और मैं जा रहा हूँ। सारों ने बैग उठा लिया, मैंने नहीं उठाया, बस लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, विश मी लक। हाँ, मैं अभी मैं आपका दे रहा हूँ। गेट से वहाँ तक बैग उठा के लिए हालत हो गई मेरी, आइंदा इतना बड़ा बैग भी उठाऊंगा मैंने। तो अभी हो रहे हैं रात के 1:30, मोबाइल चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, पर यार मैं तो बस बाहर कुछ भी नहीं दे सकता। वैसे मेरे साथ विंडो सीट है, बट क्या दिखाऊँ, नज़र ही नहीं आ रहा। आई होप कि आपको नहीं नज़र आ रहा। तो अभी हम पहुँचे हैं रोहिणी में, और तकरीबन हमारा 4 घंटे का सफ़र ख़त्म हो चुका है, और अब सारे 20 घंटे बाकी 20 घंटे जो ऐसे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ट्रेन का वो वाला सब बता, जहाँ पे ट्रेन पंचर हुई थी, चलते चलते अचानक ट्रेन रुक गई, और जो ना अच्छा पंचर जो होता है ना, वो उन लोगों ने उसको लगाया है, ताकि फिर उसके बाद ट्रेन चलना शुरू हुई है। और अब हम रोड़ी में खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, अब आगे पता नहीं। बहालपुर पहुँचने वाले, और मतलब रात को नींद आई थोड़ी सी नहीं आई, और उसके अलावा अंदर से पहुँचते हैं क्या होता है, फिर आप हमको पता चल जाएगा, अगर सारा अपडेट देते रहेंगे आपको। और हाँ, क्या कहें यार, ट्रेन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, और पता नहीं क्यों यार मुझे थोड़ी कनेक्ट नहीं हो रही, पर इंशाल्लाह जब तक हम पहुँचेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। आई विल ट्राई टू कनेक्ट माई स्टोरी, एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड, बाय बाय।
नेक्स्ट है खानेवाल और अभी फिर से स्टेशन का ब्रेक है तो सारे सब अब खड़े हैं। बाकी यार जर्नी बहुत 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 अच्छी लगी, लिटरली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना मतलब मज़ा आएगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है शायद इसलिए। बाकी मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेट्स सी कि बाकी का सफ़र कैसा होता है। हाँ सुना है कि ट्रेन थोड़ी लेट चल रही है पर वो होता है यार, वो तो गाड़ी में बंदा लेट हो जाता है, लेट्स सी। तो अभी तक हमें हाफ़ाबाद का स्टेशन है वो क्रॉस कर रहे, तकरीबन डेढ़ घंटा हो चुका है और अभी तक कोई भी स्टेशन नहीं आया, तो पता नहीं कहाँ अभी आई थिंक 5:40 हो रहे हैं और अभी तक कोई स्टेशन नहीं आया और हमारे आधे लड़के सो चुके हैं, किसी को ये नहीं पता अभी तक ब्लॉक कैसे बनाए चूँकि वहाँ से टुकड़े मतलब बहुत ज़्यादा शोर है ट्रेन का, इसलिए हमारे पास एक्सपीरियंस माइक भी नहीं है तो इसलिए वो भी प्रॉब्लम था। लेट्स सी कि क्या होता है एंड जब भी रावलपिंडी पहुँचेंगे तब आपको बताएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो आज हम कल रात को तकरीबन 2 बजे पहुँच गए थे रावलपिंडी और अभी हम रावलपिंडी में किसी होटल में ठहरे और अभी ये हो रहे से तकरीबन 7:30 और अभी हमारा प्लान है अभी गए नहीं पर लेट्स सी, कुछ हमने सुना है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बंद भी हैं तो उनको देख के फिर हम इस्लामाबाद को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे एंड लेट्स सी। और फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान में मेट्रो बैठूँगा पाकिस्तान में और मेरी आवाज़ रात को बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब अभी भी मुझे लग रहा है ख़राब ही होगी क्योंकि भारी भारी से लग रही है, बस सर्दी है यार क्या करें, सर्दी में ठंडे पानी से जाके आऊँगा।